देखो यार, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप होस्टिंगर टू गोडैडी या बिगरॉक डोमेन को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, आप किसी भी डोमेन को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले आपको जो आ जाना है यहाँ पर होस्टिंगर में, होस्टिंगर में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन आ रहा है वेबसाइट का ऊपर, वेबसाइट पे क्लिक कर देना है आपको। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर मेरी मल्टीपल वेबसाइट है जो कि मैंने इसके अंदर होस्ट की हुई है। और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर क्रिएट अ माइग्रेट अ वेबसाइट, तो हम यहाँ पर ऐड वेबसाइट करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं ऑनलाइन स्टोर बनाना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है ब्लॉग पर हमें, क्योंकि ब्लॉग बनाना है, अपनी वेबसाइट बनानी है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है कि क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, माइग्रेट माई वेबसाइट। अगर आपकी कोई माइग्रेट वेबसाइट करना चाह रहे हो, आप दूसरी होस्टिंग से इसके अंदर डालना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। हमें हमारी जो नई वेबसाइट है, हमको यहाँ पर वेबसाइट सेटअप करनी है, मतलब वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। एंड सिलेक्ट करने के बाद ये कह रहा है कि वर्डप्रेस पर होस्ट करना चाहते हो अपनी वेबसाइट को या होस्टिंग और बिल्डर विद AI को यूज़ करना चाहते हो। तो हम वर्डप्रेस पर सेटअप करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक इंटरफेस होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर इस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियो लाता हूँ, लाता रहता हूँ। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग, माइक्रो निश कैटेगरी आपको मैं देता रहता हूँ, इस पर प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो यार आपको कंटेंट पसंद आए ना, तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एंड यहाँ पर इंग्लिश का इंग्लिश ही रहने देना है हमको। हम यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल आ रहा है यहाँ पर, मतलब कि ये हमारा पासवर्ड और यूज़र नेम होने वाला है। तो हमें पासवर्ड, हमारा यूज़र नेम तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन जो है, और होस्टिंगर विग हमारी जो जीमेल हमने यहाँ पर डाल दिया, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं, हम दूसरी मेल डाल देते हैं जो अपनी है हमारी मेल। तो यहाँ पर हमने मेल डाल दिया, यहाँ पर हम पासवर्ड डालते हैं, पहले पासवर्ड को पूरा अच्छे से पासवर्ड डालना है। तो गाइज यहाँ पर हमने पासवर्ड डाल दिया, देख सकते हो आप, 1 नंबर पूरा सक्सेसफुली हो चुका है, सब पे टिक टिक आ गया है, मतलब कि एकदम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमने डाल दिया। तो गाइज ये सारा चीज फिलअप करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ प्लगइन दिखाएगा हमको, बस गूगल साइट किट करनी है और यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है, और हम बाद में कर लेंगे जो रैंक वैंक सब चीज़ है, हम पहले यहाँ पे ये कर लेते हैं। और यहाँ पर आ रहा है कि आप कौन सी थीम, मतलब आप कौन सी थीम इसके अंदर रखना चाहते हो, मतलब अपनी वेबसाइट के अंदर कौन सी थीम लगाना चाहते हो। तो भाई हम यहाँ पर जनरेट प्रेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद एंड यहाँ पर डो ये स्किप कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पर दिखा रहा है कि आप बाय कर सकते हो यहाँ पर डोमेन, तो हमारे पास तो भाई ऑलरेडी डोमेन है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे यूज़र एग्जिस्टिंग डोमेन है ना, तो इस पर सिलेक्ट करने के बाद एंड यहाँ पर हमारी वेबसाइट का URL डालना है हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बिगरॉक के अंदर आते हैं, बिगरॉक पे, तो गाइज यहाँ पर हम बिगरॉक के अंदर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो डोमेन का नेम आ रहा है, तो हम इसके अंदर डोमेन डाल देंगे एंड आपको यहाँ से कॉपी करके डाल देना है। तो हम यहाँ पर करते हैं कंटिन्यू, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमारे DNS आ चुके हैं, मतलब कि नेम सर्वर आ चुके हैं ना, तो हमको यह वाला नेम सर्वर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने गोडैडी अकाउंट या बिगरॉक अकाउंट में, एंड मेरा तो बिगरॉक में डोमेन है, तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं एडिट नेम सर्वर डिटेल। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ डालते हैं, एडिट करते हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर आपको 4 नेम सर्वर दे रखे हैं, तो हमको 2 यूज़ करने हैं, कॉपी कर। तो यहाँ पर जो दूसरा नेम सर्वर है यहाँ से ले लेते हैं, दूसरा नेम सर्वर लेने के बाद हम यहाँ पर इसको कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने नेम सर्वर डाल दिया, और इसको आप रहन देना, जो 2 नेम सर्वर आ रहे हैं इसको ऐसे रहन देना, और आपको जो 2 नेम सर्वर दिए हैं आप ये ऊपर डाल देना। ऊपर डालने के बाद अपडेट नेम सर्वर, तो गाइज यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर देना। तो अपडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे नेम सर्वर अपडेट हो चुके हैं, देख सकते हो आप, नेम सर्वर हैज़ बीन अपडेटेड नॉर्मली 24 आवर्स। तो यहाँ पर ये 24 आवर्स दिखा रहा है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे के अंदर नेम सर्वर अपडेट हो जाते हैं, है ना। आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको नेम सर्वर अपडेट कर लेने हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर लिए हैं, आप देख सकते हो। तो करने के बाद आपको होस्टिंगर अकाउंट में जाना है, जहाँ पर ये नो नेम सर्वर का ऑप्शन आ रहा था, एंड यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़, 1 मिनट रुको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कंटिन्यू करने के बाद, नेम सर्वर अपडेट करने के बाद यहाँ पर
हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा ऑलमोस्ट डन यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अब क्या करना है, तो यहाँ पर आपको करना है मैनेज साइट। मैनेज साइट पे क्लिक करने के बाद यो ये हमारा जो होस्टिंगर का पैनल खुल जाएगा, एच पैनल। तो हमको वापस जाना है। वापस जाने के बाद आपको देख सकते हो यहाँ पर एडिट योर वेबसाइट, मतलब कि आपको वेबसाइट को एडिट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वर्डप्रेस खुल जाएगा। वर्डप्रेस खुलने के बाद आप यहाँ पर पूरी चीज़ सेटअप कर सकते हो, है ना। तो आप देख सकते हो ये रहा वर्डप्रेस खुल चुका है हमारा, बिल्कुल न्यू ब्रांड वर्डप्रेस है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा, आप यहाँ पर प्लगइन व्लगइन सब थीम वीम कस्टमाइज कर कर आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो। ये मैंने आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना बताया।